राधे राधे, मैं हूँ राजवीर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पे। और मैं हूँ अपने गांव में अभी, और ये मेरे गांव की सोन नदी है, इसके आगे गंगा नदी भी है। तो आज सोचा कि चलो इधर का भी दर्शन आप लोगों को करवा दूँ। तो ये गांव की नदियाँ है, आप आगे पीछे देख सकते हैं, ये मतलब ईंट भट्टा है, मैं ईंट के ब्रिक्स बोल रहा हूँ। और ये पानी है, अभी जो है ना पानी बढ़ रहा है, तो इसको उस पार जा रहे हैं। मतलब जब बचपन में थे लालू, कितना लंबा दूर तक मतलब पानी वहाँ तक जाता था, एकदम पीछे तक। अब तो एकदम सिमट सी गई है नदियाँ, और बढ़िया है। आज दिखाऊंगा यहाँ पे कितने सारे ईंट के भट्टे हैं भाई, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। एक छोटा फैक्ट्री ही है ये, दिखा रहा हूँ आप। और ये रास्ता को ऊंचा किया गया है, सोन नदी है ये, गंगा से ही निकलती है। और इतने सारे ईंट भट्टे, श्री राधे 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 बरसाने। ये वाला में तो लाइन ना होते होते ना लालू, कौन वाला में? ये में तो आजकल होते ही ना, ना ना कटा होगा, क्या कि वहाँ पे वायर जो है ना अटैच्ड है, अगर लाइन होता तो अटैच थोड़ी ना होता। हाँ, चारों तरफ बस पानी ही पानी है। अब तो बहुत कम पानी आ रहे भाई। एक समय था इधर जब मैं मेरा खेत हुआ करता था, उस समय जब हम आते थे वहाँ पे दादाजी करे थे ना लालू, तो उस समय एकदम पानी जो है ना नज़दीक तक पहुँच जाता था। अब तो दरअसल बात यह ना, जेसीबी से कट 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 के ना एकदम बड़ा बड़ा पानी इधर उधर ही सिमट जा रहा है। यह है भाई चिमनी, जो लाल किला टाइप के आपको दिख रहा है, और इसी में से निकलते हैं ईंट पक पक के। और इस तरह के हज़ारों हमारे एरिया में हज़ारों ईंट के भट्टे हैं, जहाँ पे बेरोजगारों के एक रोज़गार भी मिल जाता है। आप देखेंगे मतलब चारों तरफ घुमा दूंगा अगर कैमरा, तो आप देख सकते हैं बहुत दूर तक, मतलब बहुत ज़्यादा ही संख्या में यहाँ पर भट्टा है, जिसमें बाहर के कई सारे लोग काम करने आते हैं। और हमारे गांव के लगभग आधी आबादी जो है ना इसी ईंट के भट्टे में व्यस्त रहते हैं, तो ये हमारे गांव के लिए रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम है। अभी तो बरसात के मौसम में सावन का महीना चल रहा है, तो सारे जो लेबर है वो अपने घर को निकल चुके हैं, तो शांत शांत सा कुछ लग रहा है। और दिखा रहा हूँ कि घर के कुछ ही दूरी पर चारों तरफ पानी 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 है। वो जो आप देख रहे हैं वो छोटी सी तालाब थी, बचपन में मैं वहाँ नहाया करता था। तो ये है मेरे गांव का दृश्य। कुछ कमियां हैं तो कई सारे चीज़ सकारात्मक भी है, नेचर के करीब है हम लोग, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, गंगा नदी बाजू में, सोन नदी बाजू में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुविधाएँ भी है। और कुछ कमियां हैं हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, जो हमारे नेता हैं उनके तरफ से कमियां हैं, बाकी हमारे यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, हमारा गांव बहुत प्यारा है। ये क्या बात है, क्या लग रहा है, ये एक छोटी तालाब है, और इस तरह से कई सारे तालाब आपको मिल जाएंगे। ये किधर है, ये है, ज्योति काठी बोलती है, गुल्लड़ छोटका ललका फड़ल है। अरे गुल्लड़ होता है, देखो शायद ये पेड़ है ना गुल्लड़ की।
तुम नहीं खाए हो उसके सब्जी? नहीं वह तो हम सोच ले जाए जितिया बना दे खेती तो हम लोग। हाँ यार बड़ा आँख के लिए वो बड़ा लाभदायक देखे। नहीं यार ये गुल्लड़ नहीं है। चल शायद दिनेश का कौन सा भट्टा वो पूजा पे नहीं है ब्रह्मचारी वाले भट्टा पर है वो गुल्लड़। हम सोच बड़का का दाम होगा तो बोलिए। अभी एकदम वीरान है भाई क्योंकि सारे लेबर अपने गाँव को जा चुके हैं लोग। इतना दूर चला भी आ जाओ। हाँ ये तो भरल दरिया बा पूरा सुखल नेपाली बा का आवाज मार देनी होई ता अपन पड़ ओ ओ मारा लेनो सारे जहां देखा तेरे कितना बढ़िया लगते हैं लालू शाम के जो हाँ शाम के समय में। हाँ फिल्म एच डी कैमरा का हो ठीक है पहली आज गंगा घूमे थोड़ा। हाँ चलो ढेर दिन हो गया उन्हें अभी तक गंगा नदी पेड़वा मतलब के ढाल जाई हो बाप रे बाप। ऐसा लग रहा है जैसे जहाज एकदम रेल के चलते हो। बहुत हल्को सा पानी है कुछ दिन थोड़ा सा ही सब के और कम भरल चाहे हो। बहुत कम आदमी है दे। ये भट्टा भी बहुत पुराना है लालू। ये भट्टा जो है ना बहुत पुराना है। इस पे रेट कम बेसी नहीं होता भैया एकदम एक रेट का दाम बचपन से देख रहे हैं। बाकी आप देखिए मैं ईंट के भट्टे का उस पे बैठा हूँ। पानी 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 देखो लालू देखो ये है गुल्लर इसके इसके सब्जी इसका सब्जी बनता है देखो इस पे। हाँ वो देखो देख भाई वाह दिखाई दे लो लेकिन वो तोड़ नहीं सकते जो जा ही नहीं सकते हो कैसे जाओगे। हाँ चल जा सकते हो जा सकते हो नहीं तोड़ सकते हो लेकिन थोड़ा दिख है गंगा नदी भाई। लगातार 3-4 किलोमीटर तक कुछ देख ही नहीं रहा है। एक समय था जब मैं इस पे दौड़ने आता था तो एकदम गंगा नदी छोटी सी हो गई थी लेकिन अभी देख रहा हूँ कि बहुत दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी भर चुकी है नाव का आवागमन शुरू है और भट्टे है नेचर है तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ आकर मुझे हर बार बढ़िया लगा है आज भी बढ़िया लग रहा है। और अब निकलता हूँ अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ और देखता हूँ मेरे गांव में आपको दिखाने लायक क्या है फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसके हिसाब से। फिलहाल लव यू बाय बाय टाटा।